हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास सिक्स की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 1। आज से बच्चों आपकी वर्कशीट आनी स्टार्ट हो गई है। ये आप लोगों की पहली वर्कशीट है जो कि आप लोगों की 5 अप्रैल 2021 को आई है। तो बच्चों, आप लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करनी है, अपनी नई नई कॉपी आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बना लेनी है। चलिए अनुमान लगाइए कि अकबर और बीरबल मन में क्या सोच रहे हैं। क्या आप अपनी कल्पना से इस पर एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं? कोशिश करिए। आज की आपकी वर्कशीट बच्चों बहुत ही आसान है। देखिए, ये अकबर है, ये बीरबल है और ये हमारा एक क्या है, पेड़ है। ठीक है, तो इसको हमें आधार बनाते हुए एक कहानी रचनी है। चलिए, हम कहानी मैंने आपके लिए बनाकर रखी हुई है। आप जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर आइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों, एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। तो उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था कि मुझे सुनने में आया है कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते ज़रूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उभरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैदखाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपनी कहानी को लिख लेना, लिख सकते हैं, कोई और भी कहानी बना सकते हैं अकबर और बीरबल को बेस बनाकर। तो बच्चों, आप क्या करोगे? आज की आपकी वर्कशीट बहुत आसान है। अपनी नई नई कॉपी बनाइए, कॉपी पे कवर कीजिए, अपना काम सुंदर राइटिंग में करना स्टार्ट करिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सारा काम टाइम से पहले करें। और अपनी मैडम को भेजें तो बच्चों बेल आइकन ज़रूर हिट करना। थैंक यू बच्चों।